जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के लिए ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन यानी GHE को संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। GHE उन विजेताओं में शामिल है जिन्हें इस साल UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह दुनिया का पहला संगठन है जो पर्यटन और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर दूर दराज के समुदायों तक सौर ऊर्जा पहुंचाने का काम करता है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC की वेबसाइट के मुताबिक GHE पहला संगठन है जो पर्यटन और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल दूरस्थ समुदायों तक सौर ऊर्जा पहुंचाने में करता है और जिसे विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद WTCC और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से मान्यता प्राप्त है। आपको बता दें कि भौगोलिक बनावट की वजह से हिंदू कुश इलाके में रह रहे 1.6 करोड़ लोगों के पास बिजली नहीं थी। GHE इम्पैक्ट एक्सपीडिशन के तहत पर्यटन से मिले शुल्क और अन्य राशि का इस्तेमाल कर गांवों में सौर पैनल खरीदने, परिवहन स्थापित करने और ग्रामीणों को प्रशिक्षित करने में पैसे खर्च करता है ताकि बिजली के सूक्ष्म ग्रिड का परिचालन वे स्वयं कर सकें। GHE ने अब तक भारत के 3 क्षेत्रों के 131 गांवों का विद्युतीकरण किया है जिसका असर 60,000 ग्रामीणों पर पड़ा है। इसके लिए धन जुटाने के लिए शुरू हिमालयन अभियान में 60 देशों के 1300 से अधिक यात्री शामिल हुए। GHE न केवल पर्यटकों को पर्यटन का अनूठा अनुभव दिलाता है बल्कि दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित स्थानीय समुदायों को पर्यटन गतिविधियों के द्वारा इनका विकास कर इन्हें सशक्त बनाता है। इसके साथ ही यह पर्यटन उद्योग को सतत विकास की दिशा में आगे ले जाने के लिए भी कार्य करता है। 2013 से ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन यानी GHE पर्यटकों की मदद से सुदूर पर्वतीय समुदायों तक सौर ऊर्जा पहुँच बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इस संगठन ने पर्यटन और प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल किया है ताकि दूर दराज के समुदायों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराई जा सके। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की पहल मोमेंटम फॉर चेंज के तहत प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार जो जलवायु परिवर्तन के साथ सतत विकास लक्ष्यों, नवाचार, लिंग समानता और आर्थिक अवसर बढ़ाने जैसे क्षेत्रों में अभिनव समाधानों हेतु प्रदान किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के मोमेंटम फॉर चेंज पहल को रॉकफेलर फाउंडेशन के समर्थन से लागू किया गया है। यह पहल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ साझेदारी में चल रही है।